बिग बॉस एक ऐसा मंच है जहां कंटेस्टेंट के पुराने विवाद अक्सर सामने आ जाते हैं। बिग बॉस ओटीटी 3 के मंच पर अरमान मलिक, पायल और कृतिका के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तीनों की शादी का मुद्दा पूरे शो के दौरान बार बार उठाया गया। अरमान मलिक और कृतिका मलिक को अपनी शादी के लिए कई तीखे सवालों का सामना भी करना पड़ा। बिग बॉस ओटीटी 3 का ग्रैंड फिनाले काफी चर्चा में रहा। इस शो के सना मकबूल ने अपने नाम किया। कुछ लोग अपनी जीत से खुश हैं तो कुछ काफी निराश भी हुए, लेकिन ग्रैंड फिनाले में एक बार फिर से अरमान, कृतिका और पायल का रिश्ता सुर्खियां बटोरता दिखा। बिग बॉस ओटीटी 3 में जब अरमान अपनी दोनों बीवियों के साथ आए तो हर किसी ने उन पर सवाल उठा दिए। तीनों ने कई दफा अपने रिश्ते को लेकर जवाब दिए, लेकिन ये सिलसिला शो के अंत तक चलता ही रहा और कल ग्रैंड फिनाले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। कोई भी अरमान के फैसले से सहमत नहीं नजर आया। शो से बाहर होने के बाद कृतिका मलिक से मीडिया बातचीत के दौरान अरमान मलिक और उनकी सबसे अच्छी दोस्त अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक के साथ उनके संबंधों के बारे में सवाल किए गए। कृतिका ने जवाब के दौरान उस वक्त को भी याद किया जब पायल की तलाक लेने की बात शो के अंदर तक पहुंच गई थी, जिसे सुनने के बाद वो इमोशनल और काफी ब्रेकडाउन में चली गई थी। शो में उन्हें रोते हुए भी कई बार देखा गया था। जब उनकी मुलाकात उनकी माँ से हुई थी तो उन्होंने पहले यही पूछा था कि पायल ठीक है क्या। कृतिका मलिक ने कहा, नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ। आप समझो, मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर के अंदर रह रही हूँ। अचानक से कोई ये बात बोलता है तो पायल तलाक वाली, तो मैं सुन रह गई। ये इतनी चौंकाने वाली बात थी कि इसकी वजह से पूरे 2 दिन तक मैं इतना टूट गई थी, इतना इमोशनल हो गई थी। इसका मतलब था कि हर चीज़ से मैं जूझ रही हूँ इस घर के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरे अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या ये बात सच है, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था कि बाहर जाऊँ और मैं पायल से सीधी बात करूँ। कृतिका ने आगे कहा, जब मैं घर से बाहर निकली तो टॉप 5 से बाहर निकलते ही स्टेज पर पायल थी और मैंने उससे पूछा, तू ठीक है ना? उसने बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी बात की मैंने अभी तक फ़ोन अपने नाम देखे कुछ नहीं देखा। फिनाले के मंच पर देखने को मिला कि पायल ने भी ये बात कही कि वो तलाक नहीं ले रही हैं। पायल ने कृतिका से माफ़ी मांगी कि उनकी एक बात की वजह से वो काफ़ी इमोशनल हो गई। पायल ने बताया कि लोगों से मिल रहे कमेंट्स के चलते उन्होंने ये बात बोली थी। इस दौरान पायल और कृतिका दोनों को रोते हुए देखा गया था। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।